नमस्कार दोस्तों, एक गारमेंट स्टीमर की मदद से हम सभी तरह के कपड़े, चाहे कोई कॉटन का शर्ट हो या फिर जींस, कोई हैवी वर्क वाली साड़ी हो या फिर कोई सिंपल से प्रिंटेड टी शर्ट, सभी कपड़ों को हम आसानी से आयरन कर सकते हैं। और वैसे भी जब भी हम कोई नया कपड़ा लाते हैं तो उसकी चमक ही अलग होती है, लेकिन नॉर्मल आयरन से उसको आयरन करते 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 उसके सारे रेशे खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं और उसकी चमक हो जाती है बेकार। वही चमक हम एक गारमेंट स्टीमर की मदद से मेंटेन भी रख सकते हैं। तो अगर आपको तलाश है एक बढ़िया गारमेंट स्टीमर की, तो आज हम अनबॉक्स, रिव्यू और डेमो करेंगे फिलिप्स के लेटेस्ट लॉन्च गारमेंट स्टीमर का। क्या है इसमें खास, कितना आसानी से ये रिंकल्स निकाल सकता है, देखेंगे आगे के इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस प्रोडक्ट के मेन यूनिट के साथ में। दोस्तों, ये है हमारी कंप्लीट यूनिट जो हमें इस बॉक्स के साथ में मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं मेन यूनिट की, तो काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है, व्हाइट एंड सिल्वर कलर का कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारी ये स्टीम होस पाइप है जिसकी लेंथ है लगभग 1.5 मीटर की। सामने का जो पोर्ट्स वाला जो एरिया है ये काफी अच्छा बड़ा है, तो एक बार में अच्छा एरिया कवर करेगा। सामने यहाँ पे ऊपर की तरफ फिलिप्स का ब्रांडिंग है, ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी काफी शानदार है। अब बात करते हैं हमारी इस मेन यूनिट की। यहाँ ये पावर इंडिकेटर है, यह है इसका स्टीम कंट्रोलिंग नॉब, जहाँ पर 3 स्टीम लेवल मिल जाते हैं, जितना बारीक कपड़ा हो, अगर बारीक कपड़ा हो तो स्टीम लेवल 1, और अगर मोटा कपड़ा हो तो स्टीम लेवल 3। तो आप अपने कपड़े के मोटाई के हिसाब से चूज कर सकते हैं। नीचे फिलिप्स का ब्रांडिंग है और यह है इसका बेस। पीछे की तरफ हमें मिलता है डिटेचेबल 1.4 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक, और यह है इसका लिड। होल की अगर मैं बात करूं तो काफी बड़े साइज का है, तो जब भी आप टैप से या फिर जग, मग, ग्लास, किसी भी चीज से जब आप इसको फिल करते हैं तो काफी आसानी होती है। 1.4 लीटर की कैपेसिटी भी अच्छी खासी कैपेसिटी है, और इसको कुछ इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। और यह है इसका डीकल्क बटन। ट्रिपिन टॉप की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में हमें पावर का टॉप मिलता है, 16 एम्पियर का प्लग है, तो ये आपको एक अपने रूम में इसको मैनेज करना ही होगा कि किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी असेंबलिंग की। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें पोल लगाना होता है, पोल के जो ग्रूव है, इस गारमेंट स्टीमर के पोल के ग्रूव से इसको मैच करना है, पोल क्लिप खोलनी है, इसको पूरा अंदर इंसर्ट करना है और इसको लॉक कर देना है। दैट्स इट, बहुत आसान है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, इजीली हो जाता है। इसी तरीके से आपको दूसरा पोल लगाना है, उसके बाद में हम लगाएंगे इसका हैंगर। स्टीम हैंगर ग्रूव को पोल के ग्रूव से मैच करते हुए सिंपल आपको इसको इसके अंदर कुछ इस तरीके से पुश कर देना है, और अंदर जाकर वो अपने आप लॉक हो जाता है। गारमेंट स्टीमर में हमने पोल और इसके हैंगर को असेंबल कर दिया है। अब बात आती है स्टाइल मैट को लगाने की। इसकी जरूरत इसलिए होती है कि बेसिकली जब अगर आप इस पे, जब आपने शर्ट को, किसी भी ट्राउजर को, सूट को आपने इसके ऊपर हैंगर के ऊपर टांग दिया, तो पीछे की तरफ ये एक सपोर्ट का काम करेगा जिससे आयरन बहुत बढ़िया से हो जाती है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले जो ये जो बड़ी वाली जो रस्सी है, इसको हम सामने से कुछ इस तरीके से लेंगे और इसको पीछे के इस ग्रूव में फंसा देना है इस तरीके से। इसी तरीके से इस तरफ जो का जो ये रस्सी है, इसको इस ग्रूव में फंसा देना है और इसको इसमें। आई मैट के पीछे के क्लिप्स को पोल पर कुछ इस तरीके से हमें टाइट कर देना है। तो दोस्तों, अब बारी आती है डेमो की। तो डेमो के लिए हमारे पास में एक रिंकल से भरा हुआ शर्ट, जिसमें हम थोड़े बहुत और भी रिंकल्स कर देते हैं ताकि हमें पता चले इस गारमेंट स्टीमर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो अच्छे खासे रिंकल्स हो चुके हैं इस शर्ट में, तो अब हम इसको यहां पर माउंट कर देते हैं। और हमने इस गारमेंट स्टीमर को पानी से फिल कर लिया है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्टीमर को हम प्लग करते ही यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, स्टीम लेवल 1 या मीडियम हम चूज कर लेते हैं। 1800 वॉट का इसका टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, 35 ग्राम पर मिनट का इसका स्टीम आउटपुट मिलता है, और इसका स्टार्टअप टाइम जो है वो है 45 सेकंड का, मतलब 45 सेकंड में हमें स्टीम आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि कितनी आसानी से यहाँ पर रिंकल्स निकल रहे हैं, जो कि मैंने रिंकल्स भी खूब अच्छे खासे रिंकल्स थे शर्ट में, अच्छे खासे मैंने इसमें रिंकल्स डाले थे, और ये आप इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। सबसे यहाँ पे अच्छी बात ये रहती है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्रीज बना सकते हैं, क्रीज बनाना थोड़ा सा इसके साथ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिंकल्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं। कपड़े की जो चमक है, शाइन है, वो मेंटेन रहती है इसके साथ में, कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है।
दोस्तों डेमो में हमने देखा कि कितनी आसानी से शर्ट्स के रिंकल्स निकल गए। अब बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। जब आप एक मार्केट में या फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं गारमेंट स्टीमर के लिए, तो वहां पर आपको लगभग 5000 रुपए से ही रेंज आपको स्टार्ट मिल जाएगी। लेकिन यहां पर मेन डिफरेंस आता है वॉटेज का और टैंक कैपेसिटी का। कई गारमेंट स्टीमर मार्केट में 1000-1200 वॉट तक के भी अवेलेबल है, लेकिन वहां पर स्टीम आउटपुट पूरा नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, जिसकी वजह से अर्निंग प्रॉपर नहीं हो जाती है। यहाँ पे हमें 1800 वॉट का टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, जिसकी वजह से हमें स्टीम आउटपुट बहुत शानदार है, जो कि है 35 ग्राम पर मिनट का। ओवरऑल फिलिप्स की क्वालिटी बेहद शानदार है, प्राइस थोड़ी सी ज्यादा जरूर लगती है, लेकिन फिलिप्स आयरन में वर्ल्ड्स नंबर वन ब्रांड है, तो प्राइस थोड़ा ब्रांड वैल्यू भी हमें यहाँ पे करना पड़ ही रहा लग रहा है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी काफी शानदार है। प्रोडक्ट आपको कैसा लगा सवाल या फिर सुझाव हो कॉमेंट बॉक्स है, उसका यूज कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।